भारत का हर युवा अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने प्राणों का त्याग और बलिदान करने के लिए पीछे नहीं हटता है। हर किसी के मन में यह सपना होता है कि वह भी भारतीय डिफेंस फोर्सेस को, इंडियन डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करके अपनी मातृभूमि की रक्षा एवं सुरक्षा में योगदान दे। ऐसे में जब बात आती है लड़कियों की, तो दोस्तों आज के समय में हमारी लड़कियां जो हैं वह किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और बात करें भारतीय वायुसेना की, तो इसमें भी वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके अपने देश की सुरक्षा एवं रक्षा में भागीदार बन रही हैं। तो आज हम जानने वाले हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिसकी वजह से लड़कियां भी भारतीय वायुसेना को सर्व कर पाए और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारी मातृभूमि की रक्षा एवं सुरक्षा में योगदान दे पाए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानने वाले हैं उस एंट्री के बारे में जो लड़कियों को परमानेंट कमीशन दिलाने के लिए आया है, और वह है एनडीए की एंट्री। देखिए दोस्तों, इसके पहले तक, इसके एक एग्जाम दो एग्जाम तक पहले तक एनडीए में लड़कियों को स्थान नहीं मिलता था। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही होती थी कि ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स, लेकिन अब लड़कियों के लिए भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा अब यह चीजें आ गई हैं कि लड़कियां भी नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे ट्राई नेशन एकेडमी को ज्वाइन करके भारतीय डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन कर सकती हैं और वायुसेना में एक फाइटर पायलट बन सकती हैं। सबसे पहले जान लीजिए, अगर लड़कियां एयरफोर्स में जाना चाहती हैं तो वह एनडीए एंट्री के थ्रू जाती हैं, जिसमें कि उनके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी ये होनी चाहिए कि 10+2 विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट अगर आपके पास है। आपकी एज लिमिट की बात करें तो 16.5 से 19 साल अगर आपकी एज आती है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो सबसे पहले आपको 2 एग्जामिनेशन देने होंगे, जिसमें मैथमेटिक्स का पेपर होगा जो कि आपका 300 मार्क्स का पेपर होगा, जनरल एबिलिटी और जीएस का पेपर जो आपका होने वाला है इंग्लिश का, इसमें आपके पास 600 मार्क्स होंगे और आपको 150 क्वेश्चंस यहां पर करने होंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो 120 क्वेश्चंस आपको यहां करने होते हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एनडीए के माध्यम से आप इस एंट्री को ज्वाइन करके भारतीय वायुसेना में एक फाइटर पायलट बन सकती हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि जब आप इस रिटर्न एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगी, फिर आपको एक सीपीएसएस टेस्ट देना होगा, पीएबीटी टेस्ट देना होगा, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट, जो कि आपका सिर्फ एक ही बार होता है। अगर आप इसमें फेल हो जाती हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स में पायलट नहीं बन पाएंगी, लेकिन अगर आप इस इंटरव्यू को, इस टेस्ट को क्वालिफाई कर लेती हैं तो आप इंडियन एयरफोर्स में एज अ पायलट एनडीए एंट्री के थ्रू आप ज्वाइन करेंगी और आपकी भी पोस्ट इंडियन एयरफोर्स में एक कमीशन रैंक पर आप अपॉइंट होने वाली हैं। दूसरी एंट्री की बात करें जो कि बहुत ज्यादा गर्ल्स के बीच पॉपुलर है, वह है एफकैट एंट्री, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। देखिए दोस्तों, ये लड़कियों के बीच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एंट्री है। इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें आपके 2 ब्रांचेस हैं। पहली है ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी में जिसमें कि आपकी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल 2 जगह पे आपकी रिक्रूटमेंट होती है, और दूसरी है फ्लाइंग ब्रांच, जिसके लिए आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि 10+2 विद फिजिक्स और मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट आपके 10+2 में होना चाहिए। फाइनल ईयर में आप हो तो आप इसको अप्लाई कर सकती हैं, साथ ही साथ ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं तो भी आप इसको अप्लाई कर सकती हैं। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 24 साल आपकी एज लिमिट है। अगर इन केस आपके पास डीजीसीए का कमर्शियल पायलट लाइसेंस है तो आपको 2 साल का रिलैक्सेशन, 26 साल तक आप इसको भर सकती हैं। हाइट की बात करें तो 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट यहां पर होनी चाहिए। अगर आपके पास ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो आप फ्लाइंग ब्रांच को आप ज्वाइन कर सकती हैं, एज अ फाइटर पायलट, एज अ पायलट आप इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करके सर्व कर सकती हैं। दूसरी एंट्री की बात करें ग्राउंड ड्यूटी की, तो ग्राउंड ड्यूटी में आपके पास 2 ब्रांचेस हैं, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल। टेक्निकल के लिए आपके पास एज लिमिट 20 से 26 साल होनी चाहिए, 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपका होना चाहिए, प्लस आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए किसी भी ब्रांच से। अगर आपके पास ये डिग्री है तो आप एयरफोर्स की टेक्निकल ब्रांच को ज्वाइन कर सकती हैं। अब बात आते हैं नॉन टेक्निकल की, जिनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, जिनके पास एक नॉर्मल ग्रेजुएशन है, वह किस तरह से एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं। मैं बात करूं अगर एफकैट में, तो आपको 3 तरह से ये मौके मिलते हैं। आपको पहला एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स में आपको एक वर्क मिलता है, जिसमें कि आपके पास 60% इन ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप
अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है तो आप एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट को आप एयरफोर्स के ज्वाइन कर सकती हैं। अकाउंट्स की बात करें तो आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, आपके पास 60% अगर मार्क्स हैं तो आप अकाउंट्स को ज्वाइन कर सकती हैं। और एजुकेशन ब्रांच को अगर आप ज्वाइन करना चाहती हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, MBA, MA, MSc, ये सारी चीज़ें एंड 60% मार्क्स इन ग्रेजुएशन अगर आपके पास है तो आप इन तीनों ही ब्रांच को जो मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया उसमें आप ज्वाइन कर सकती हैं। साथ ही साथ अब बात करते हैं उस एंट्री की जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर एंट्री नहीं है, लेकिन जिस एंट्री में आप जा करके अधिक से अधिक आप जल्द से जल्द इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन कर सकती हैं, आपकी वह है FTS एंट्री, फास्ट ट्रैक सिलेक्शन एंट्री, जो कि आपकी मेटलर्जी ब्रांच होती है और ये इंडियन एयरफोर्स की एक सेपरेट ब्रांच है। इसका काम ही है वेदर एनालिसिस करना, वेदर रिपोर्ट देना, जिससे कि जो फ्लाइंग होती है वो बहुत ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर हो। तो ये बहुत ही जिम्मेदारी वाली ब्रांच है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 20 से 26 इयर्स आपकी यहाँ पर एज लिमिट होनी चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास होना चाहिए कि 50% एग्रीगेट मार्क्स आपके पास यहाँ पर PG होना चाहिए। साइंस के सब्जेक्ट में आपके पास कोई भी साइंस का सब्जेक्ट हो उसमें आपके पास मास्टर्स की डिग्री होल्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ ग्रेजुएशन में आपके 55% मार्क्स होने चाहिए जो कि आपने साइंस से किया है, जैसे कि BSc, इस तरह की डिग्री अगर आपके पास है तो आप FTS एंट्री को ज्वाइन कर सकती हैं। अब बात आती है उन लड़कियों की जो रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं देना चाहती और जिनका जुड़ाव NCC से रहा है, तो एयरफोर्स आपको ये मौका देता है कि आप NCC स्पेशल एंट्री को ज्वाइन करें। अगर आपने NCC कैडेट हैं और आपके पास सी सर्टिफिकेट आपको मिला हुआ है यहाँ पर फ्लाइंग का, तो आप NCC एंट्री को ज्वाइन कर सकती हैं। इसके थ्रू आप एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच को ज्वाइन कर सकती हैं। एज लिमिट की बात करूं तो 20 से 24 साल आपकी एज लिमिट होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन आपके पास 10+2 विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, आपके पास 60% मार्क्स इन सब्जेक्ट्स में होने चाहिए। साथ ही साथ आपका ग्रेजुएशन में भी 60% अगर मार्क्स है तो आप इसमें विदाउट रिटन एग्जामिनेशन अर्ली SSB इंटरव्यू दे करके एयरफोर्स को आप ज्वाइन कर सकती हैं। तो ये कुछ एंट्रीज थी जिनके माध्यम से आप भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करके नव इस पर्सन दीप्तम के अपने सपने को साकार कर सकती हैं। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करने के सारे रास्ते को समझा पाया होगा। बहुत ही सरल भाषा में आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर आप इंडियन एयरफोर्स में जा करके अपने कैरियर को एक नई ऊंचाई देना चाहती हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, अपनी बहनों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।